भरतपुर सांसद रंजिता कोहली ने लॉकडाउन के बीच किए गए कार्यों को लेकर कहा कि वो जनता की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गांव और शहर में सैनिटाइजेशन करवा रही हैं। कांग्रेस उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। उनके बारे में जानते हैं, आप लोग बताएं आपकी तरफ से कौन सी व्यवस्था की गई है कोरोना महामारी? कोरोना महामारी की चलते हुए मेरी तरफ से जो गरीब वर्ग है उनको खाना पहुंचाना मेरी लेवर कर रही थी, और जहाँ तक हमने अभी बसों को भी रोका हुआ है उनको भी खाना पहुंचाना, उनको तक व्यवस्था पहुंचाना, और जैसे कि हमने मास्क बांटे थे अपनी तरफ से, तो जो भी है कोरोना वाले मैंने खुद सैनिटाइजर किया था, क्योंकि जो हमारी कार्यकर्ता थे बोले मैडम आप आओ, तो मैंने खुद जाकर के सैनिटाइजर किया। तो मैं मानती हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम लोग जिस तरीके से सभी लोग लगे हुए, और इसमें लगने से ही एक ऐसा लगता है कि देश के लिए अगर हमारा कहीं भी एक सहयोग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बयाना की अपन बात करें तो मैं बताना चाहूंगा, बयाना में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 तक पहुंच गई थी। अभी फिलहाल की बात करें तो नंदन में जो केस थे वो नेगेटिव हो चुके हैं पॉजिटिव से, तो अभी एक जो कोरोना मरीज फिलहाल में बचा हुआ है, बाकी जल्दी स्वस्थ होने की ये उम्मीद है। ज्यादातर सांसद पर ये आरोप लगे कि बयाना से वो बाहर नहीं निकली, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। मैं पूरे क्षेत्र की भरतपुर जिले की यहाँ बैठकर प्रशासन से डेली बात करना, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मेरी डेली बात होती है, मैं हर जगह का जायजा ले रही हूँ। जो अगर किसी को कुछ कहना है तो उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी के जो मेरा काम है मैं कर रही हूँ। और जहाँ तक मेरे गरीब वर्ग से जुड़ना है तो मैं देखिए अपनी टीम बना करके मैंने गरीब वर्ग तक अपना जो सामग्री थी खाद्य सामग्री उसको भी पहुँचाने का काम किया है, और अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी हमारी तरफ से कहीं भी कमी नहीं रह जाए। बाकी के भरतपुर जिले के सभी पदाधिकारी लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के, और मैं भी अपने काम कर रही हूँ, इससे किसी को कुछ कहना है तो उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रंजिता कोहली जी का यही कहना है कि जो विपक्ष की ओर से जो उन पर आरोप लगे थे कि बयाना से वो बाहर नहीं निकली, तो उनका यही कहना कि पूरे जिले में कहीं ना कहीं कोरोना जो बीमारी चली है उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। कैमरा मैन महेश सक्सेना के साथ में दिनू परासर A1 TV बयाना।